देश भर में कोरोना ने हाहाकार मचा के रखा हुआ है। देश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक दिन में 3,14,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए और मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले में भारत टॉप पर पहुंच चुका है। हालात की गंभीरता आप किस बात से समझ सकते हैं कि एक दिन में जितने आंकड़े कोरोना संक्रमण के भारत में दर्ज किए गए हैं, आज तक किसी भी देश में एक दिन में उतने आंकड़े, उतने संक्रमण के मामले रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। भारत संक्रमण के मामले में नंबर एक पर चला गया है, दूसरे नंबर पर ब्राजील है और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। सरकार इस लहर को काबू करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। 1 मई से भारत सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को खोल दिया है, पर इससे हालात अचानक नहीं सुधर सकते, जो फिलहाल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यूके के ट्रायल्स में कारगर साबित हुई कनाडा के वैंकूवर के बायोटेक कंपनी सैनोचाइज की नेजल स्प्रे कोरोना की दूसरी लहर को रोकने में कामयाब हो सकती है, जो वाकई में कहीं ना कहीं से एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। भारत में नेजल वैक्सीन के ट्रायल्स को भी फास्ट ट्रैक पर लाने की जरूरत है, जो निश्चित तौर पर इस वायरस को काबू करने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। बता दें कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना पर नेजल स्प्रे ज्यादा कारगर साबित होती है, क्योंकि कोरोना एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि गले और फेफड़ों पर सबसे ज्यादा असर डालता है और नेजल स्प्रे भी सबसे पहले वायरस को नाक और गले पर मारती है। भारत में ये नेजल स्प्रे कब आ सकती है, जिसे इसराइल और न्यूजीलैंड में मंजूरी तक मिल चुकी है और 1 मई से वहां के लोग इस नेजल वैक्सीन को खरीद भी सकते हैं, बताएंगे आपको ये तमाम बातें इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये नेजल स्प्रे है क्या और इसे किसने बनाया है। वैंकूवर यानी कि कैनेडा के वैंकूवर की बायोटेक कंपनी है सैनोचाइज ने इस नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे को तैयार किया है। ये स्प्रे मरीजों को खुद ही लगाना पड़ता है, नाक में स्प्रे करना पड़ता है और ये नाक में ही वायरल लोड को कम कर देती है। इससे न तो वायरस पनप पाता है और ना ही फेफड़ों में जाकर वायरस नुकसान पहुंचा पाता है। इस वैक्सीन के ट्रायल कनाडा और यूके में किए गए, सबसे पहले कनाडा में किए गए। कोरोना से संक्रमित 79 लोगों पर हुए फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में इस नेजल वैक्सीन ने सिर्फ 24 घंटों में वायरल लोड को 95% तक कम कर दिया और 72 घंटों में तो इसने वायरल लोड को 99% तक कम कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं वायरस को खत्म कर दिया। अच्छी बात यह है कि कोरोना के यूके वेरिएंट के खिलाफ भी ये कारगर साबित हुआ है। यूके वेरिएंट वही है जो कि भारत में इस वक्त संक्रमण दर को बढ़ा रहा है। यूके के अलावा कनाडा में भी फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 103 लोगों को नाक की स्प्रे यानी कि यही नेजल स्प्रे दी गई। कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव इसके बाद नहीं निकला। दूसरी ओर ब्रिटेन में फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में 70 लोग इसमें शामिल थे, सभी कोविड-19 इन्फेक्टेड थे, इनकी नाक में इसे स्प्रे किया गया। साथ ही स्टडी में ये भी कहा गया है कि नेजल स्प्रे जिन लोगों को नहीं मिले उन लोगों में 16 गुना ज़्यादा वायरल लोड मिला। सबसे पहले इस नेजल वैक्सीन का ट्रायल कनाडा में किया गया। ट्रायल में 7,000 मरीजों को इसमें शामिल किया गया। किसी भी मरीज को गंभीर साइड इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नेजल स्प्रे, जिसे कि कनाडा और यूके में नियामक संस्थाओं के पास भेज दिया गया है, उसकी क्या भारत आने की उम्मीद है? तो जवाब है हाँ। फिलहाल कंपनी ने यूके और कनाडा में इस स्प्रे के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है नियामक संस्थाओं से। इसराइल और न्यूजीलैंड ने तो स्प्रे को इलाज के लिए मंजूरी तक दे दी है। कंपनी ने तो अप्रैल के महीने से ही इसराइल में इसका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है और मई से $30 यानी कि तकरीबन ₹2200 में ये नेजल स्प्रे की एक बॉटल फार्मेसी में मिलने शुरू हो जाएगी। सैनोचाइज की CEO और सह संस्थापक डॉक्टर गिली रेगेव का कहना है कि हम भारत में पार्टनर तलाश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस स्प्रे को भारत में मेडिकल डिवाइस के तौर पर मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने भारत में कुछ बड़ी दवा कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है, पर इस समय उन्होंने सरकार या रेगुलेटर से संपर्क फिलहाल नहीं किया है क्योंकि पहले वो पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार की नियामक संस्था ने मॉडर्ना, फाइजर और विदेश की अलग अलग वैक्सीन को भारत में लोगों तक पहुंचाने के लिए जो शर्तें रखी थी उसमें ढील भी दी गई है। भारत में कनाडा की ये सैनोटाइज अपनी नेजल स्प्रे 4,000-5,000 लोगों पर फेज 3 ट्रायल करना चाहती है। कंपनी के CEO के मुताबिक फेज 3 ट्रायल्स का कुछ हिस्सा भारत में भी हो सकता है। उन्होंने इसके लिए फंडिंग की तलाश कर दी है। जैसे ही फंडिंग मिल जाएगी कंपनी आगे बढ़कर भारत में क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं सोचिए कि सिर्फ एक कंपनी है जो कि कोरोना के खिलाफ नेजल वैक्सीन बना रही है। भारत बायोटेक ने अपनी नेजल वैक्सीन कोरोफ्लू के ट्रायल्स जनवरी में शुरू कर दिए थे। सिर्फ यही नहीं, भारत बायोटेक के फाउंडर डॉक्टर कृष्णा एला का भी ये मानना है कि कोरोना वायरस को खत्म करने में नेजल वैक्सीन एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ
एक बार दे रहा है और ये भी साबित हुआ है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ नेजल वैक्सीन के लिए करार भी किया है। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री के मुताबिक 4 शहरों में 175 लोगों पर भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन का परीक्षण किया गया है। कुछ ही दिनों में इसके फेज 1 ट्रायल के नतीजे सामने आने की उम्मीद है। अच्छी बात यह है कि ये नाक में स्प्रे के जरिए दी जाएगी और वायरस के एंट्री पॉइंट्स को ही ब्लॉक कर देगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि नाक के जरिए कोरोना शरीर में एंट्री करता है और हालात बिगाड़ता है, इसलिए नेजल स्प्रे असरदार साबित हो सकती है। और सिर्फ कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ही नहीं बल्कि कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी नेजल वैक्सीन पर काम कर रही है। SII और कोडाजेनिक्स को UK में ड्रग रेगुलेटर यानी कि MHRA से जनवरी में ही सिंगल डोज इंट्रानेजल लाइव वैक्सीन के फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। कोडाजेनिक्स कंपनी का कहना है कि कोविवैक जो कि एक नेजल वैक्सीन है के प्री क्लिनिकल स्टडी में ये सेफ और इफेक्टिव पाई गई है। उम्मीद की जा रही है कि जून 2021 में अगले दौर के क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिए जाएंगे। अमेरिकी कंपनी एल्टीम्यू ने नेजल स्प्रे के तौर पर नाक में दी जाने वाली वैक्सीन एड कोविड बनाई है। हालिया स्टडी में बताया गया है कि कोविड-19 ट्रांसमिशन रोकने में यह काफ़ी असरदार है, खासतौर पर बच्चों में इसके इस्तेमाल के बाद इन्फेक्शन रोकने में कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि 180 लोगों पर इसके ट्रायल्स सफल रहे हैं। हालांकि बात करें सैनोटाइज की तो उसके नतीजे जो सामने आए हैं वो वाकई में उत्साहवर्धक है और भारत में आने के लिए इसके रास्ते भी साफ हो सकते हैं, क्योंकि नियामक संस्थाओं ने तमाम वैक्सीन या फिर दवाओं के लिए जो कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं उनके लिए शर्तों को ढीला भी किया है। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।